2023 वेरिएंट 1-2 क्वेश्चन नंबर 1। अब तो यहाँ से जो इस एक्सपेंशन में जो आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो 6 टाइम्स है जो आपके इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो मींस पहले यहाँ से फाइंड करो एक्स स्क्वायर, यहाँ से फाइंड करो एक्स क्यूब, फिर इनको 6 टाइम्स करके यहाँ से ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करो। तो पहले 6 फाइंड करते हैं, तो 3 + 2ax^5। अब यहाँ से रिक्वायर्ड है मुझे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो (t(r+1)) = (nCr)(a)^(n-r)(b)^(r)। अब थर्ड टर्म के लिए आप एक्स क्यूब के लिए पहले r फाइंड करना पड़ेगा आपको। n कितना है इसका? 5। cr a कितना आपके? 3^(5−r))(b)^(2ax)^r। अब (t(r+1)) = (5cr) 3^(5−r)। अब ये पावर r 2 भी कंटेन कर रहा है, a भी कंटेन कर रहा है, x भी कंटेन कर रहा है। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है? x क्यूब का कोफिशिएंट। तो आप इस x की पावर को रिक्वायर्ड टर्म की पावर से इक्वेट कर, तो मीन्स आपका r कितना हो गया? 3। वो 3 यहाँ पुट कर लो, दैट मीन्स (t(3+1)) = अब ये क्या होगा? 5c3(3)^-3)(2)³(a³) और इंटू क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब। ये बन गया आपका (t)4। अब 5c3 कैलकुलेट करो, देखो आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताना आंसर। 5c3 कितना आ रहा है? 10। चेक करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अल्टीमेटली 10। अब ये बन गया आपका 3² मीन्स कितना हो गया? 9। 2³ कितना हो गया आपका? 8 मल्टीप्लाई बाई a³ और इंटू क्या होगा आपका? एक्स क्यूब। अब जरा 10, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करो, ये 270 हो गया। तो 270 a³ × x³ 720 a³ × x³। तो ये तो आपने इसमें से फाइंड कर लिया एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अब बिल्कुल इसी पैटर्न से यहाँ से फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब इसे एक्सपेंड करता हूँ। अब ये क्या है? बस 2+ax^6। यहाँ से फाइंड कर रहे हैं मैंने एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, इट मींस (t(r+1)) = (nCr)(a)^(n−r)(b)^(r)। अब 6cr, अब 2 की पावर क्या आपकी? 6−r। अब ये पावर a भी कंटेन कर रहा है, x भी कंटेन कर रहा है। अब आप इस x की पावर को जो टर्म आपको रिक्वायर्ड है उसकी पावर से इक्वेट कर लो, तो मीन्स यहाँ पे r कितना हो गया? 2। अब इस r 2 को यहाँ पुट कर लो। देखो जब r फाइंड करना है, जब x की टोटल पावर को रिक्वायर्ड टर्म की पावर से इक्वेट करते हैं, अब यहाँ पे x सिंगल टर्म है, तो ये देखा आपके (t(2+1)) = (6c2)। ये 2 की पावर 6−2 हो जाएगा, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा। अब बताओ 6c2 की वैल्यू क्या आ रही है? कैलकुलेट करो सर जल्दी। 15। 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, जरा इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 15 × 16 कितना आ रहा है? 240। कितना? 240 a² × x². तो ये फाइंड कर लिया आपने एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कोफिशिएंट। अब गिवन क्या है कि यहाँ जो एक्स क्यूब कोफिशिएंट था वो 6 टाइम्स हैं इसके कोफिशिएंट से, तो किसको मल्टीप्लाई करूँ? जब आप 240 a² को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, 720 a³ के इक्वल हो जाएगा। तो 240
मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 720 इक्वल्स टू क्या हो गए, ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो बताओ सिर्फ ए का आंसर क्या आ गया, कैलकुलेट करो। टू, ये आपने ए का आंसर फाइंड कर लिया। तो ये हमने क्वेश्चन वन कंप्लीट किया। ये एयर हम कर रहे हैं नवंबर 23 वेरिएंट 1-2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन वन बायनोमियल एक्सपेंशन से था, तो सबने ए कैलकुलेट किया, ए का आंसर क्या रहे, टू। मैंने डायरेक्ट स्पेसिफिक टर्म फॉर्म, मैंने एक्सपेंशन यूज नहीं की, मैंने डायरेक्ट टर्म कैलकुलेट की। क्वेश्चन वन सब क्लियर, एक्सपेंशन हो सकता है, क्यूब और स्क्वायर जल्दी फाइंड हो जाएगा, ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं। क्वेश्चन वन सबने कर लिया, आगे मूव करूँ। चलो क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस ट्रिग्नोमेट्री। जी फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन। सबसे पहले अपने मोड चेंज कर लो, जिसमें आप रेडियंस के अंदर जो पाई के फॉर्म में दिया था ना, दैट मीन्स पाई ओवर 6 प्लस, अभी क्या आपका टैन इनवर्स 4x और इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। अब टैन इनवर्स 4x, इसको मैं सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, माइनस, अब जरा कॉस इनवर्स रूट 3/2 कैलकुलेट करो तो वैल्यू क्या आ रही है, आंसर फ्रैक्शन नहीं बताना मुझे, ठीक है, रूट 3/2 मतलब माइनस पाई ओवर 6 हो गया। अब इसको वहां शिफ्ट करो, ये माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। अब टैन इनवर्स 4x इन दो गार्ड कर दो, तो ये माइनस 2/6 हो जाएगा। अभी हो गया आपके टैन इनवर्स 4x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। अब आप इस टैन इनवर्स को वहां शिफ्ट कर दो, ये सिंपल बन जाएगा आपका टेंजेंट, तो ये टेंजेंट माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। जब आप टैन इनवर्स को वहां शिफ्ट करोगे, सिंपल टैन में कन्वर्ट होगा। अब जरा कैलकुलेट करो कि टैन इनवर्स माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन कैसे नहीं आएगा, टेंजेंट पाई बाय 3 कैलकुलेट करो, माइनस बता दो, माइनस क्या रहा है, माइनस 0.0 क्या रहा है, माइनस अंडर रूट 3। अब 4 से डिवाइड कर दो, फिर माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो मीन्स ये आपने फाइंड किया इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन। एग्जैक्ट आंसर फ्रैक्शन में दोगे, आंसर डेसिमल में नहीं दोगे। तो ये आपने फाइंड कर दिया इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन। जी बेटा क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू सब क्लियर हुआ, रेडियंस में करना। क्वेश्चन वन टू सब क्लियर हो गया, आगे मूव करूं, आगे मूव करूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन। अब आपको कर्व का डेरिवेटिव दिया हुआ है और कर्व एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो पॉइंट पी गिवन आपको 2.8। अच्छा बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट पी। आपने डायरेक्ट नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर ली, तो मीन्स ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके x1 और ये क्या होगा y1। अब आप सबसे पहले इस पॉइंट P पे dy/dx कैलकुलेट कर लो, तो dy/dx एट पॉइंट P पे कैलकुलेट कर लो, तो पॉइंट P पे x कोऑर्डिनेट कितना आपके 2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 72/2 4। पता है इसकी वैल्यू क्या आ रही है,
ये तो ये कैंसिल हो गया, वन बचे खाली, फोर आ रहा है। अब फॉर्म करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जनरल फॉर्म क्या थी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू माइनस माइनस वन ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, वाई वन कितना आपके 8 इक्वल्स टू माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स कितना आपके 4 है, 11 अपॉन 2 आ रहे हैं, 11 ओवर 2 यहाँ पे सही कर लेते हैं। तो माइनस वन ओवर हो जाएगा आपका 11 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना आपका 2 है। अब y माइनस 8 इक्वल्स टू, अब ये माइनस 2 अपॉन 11 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लो तो y इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 अपॉन 11 देन प्लस 8, इसमें 8 ऐड करो क्या आंसर, 4 अपॉन 11 में 8 ऐड कर दो तो 88 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 92 अपॉन 11, तो 92 ओवर 11। तो ये आपने फाइंड के लिए रिक्वायर्ड नॉर्मल की इक्वेशन। अब देखिए मेरे पास जिस तरह मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसका करिएगा, बीच में अगर स्पेस नहीं तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दो कॉलम्स में सॉल्व कर लेना स्पेस को। तो मैंने एक पार्टीशन कर लिया, कॉलम ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब पार्ट बी करो, पार्ट बी में क्या फाइंड करना है, अब आपने फाइंड करना है कर्व की इक्वेशन। तो ये आपकी इंटीग्रेशन की टाइप वन, डेरिवेटिव दिया हुआ है, इंटीग्रेट करके पॉइंट पी दिया हुआ है, कर्व की इक्वेशन फाइंड करो। जो मैंने आपसे कहा था लाजमी आती है चीज़, देखो लाजमी है इंटीग्रेट करोगे उसको, मिक्स लग सकते आते हैं, सब चीज़ मिक्स होकर आते हैं। डेरिवेटिव दिया हुआ है, पॉइंट पी दिया हुआ है, इक्वेशन फाइंड करो टाइप वन। देखो डी वाई ओवर डी एक्स गिवन क्या आपको, 1 ओवर 2 एक्स प्लस 72। अभी जो x की पावर 4 है इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसकी पावर क्या रहेगी, नेगेटिव 4। अब dx डिवाइड हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि 1 ओवर 2 एक्स प्लस 72 x की पावर माइनस 4 और इनटू क्या होगा dx हो जाएगा। अब आपने इस पूरी इक्वेशन को आपने इंटीग्रेट करना है तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। अब ये सिंपल क्या हो जाएगा, y 1 ओवर 2 जब आप x को इंटीग्रेट करोगे x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, वही पावर में 1 ऐड करोगे सम से डिवाइड करोगे फिर प्लस 72। अब आप इसकी पावर में 1 ऐड करो सम कितना आएगा माइनस 3, उसे डिवाइड करोगे और एक कॉन्स्टेंट c ऐड करोगे यहाँ पे। अब पहले इसको अरेंज कर लेते हैं तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस प्लस माइनस। अब जब 72 को डिवाइड बाई 3 करो कितना आ रहा है, आई थिंक कितना 24। तो माइनस 24 ओवर x क्यूब हो जाएगा और प्लस c, इसको मैंने 1 सपोज कर लिया। अब ये c फाइंड करने के लिए आपको एक पॉइंट p दिया हुआ है 2.8, ये पुट कर लो तो पॉइंट p कितना आपका 2.8। अभी x और ये y पुट करो तो 8 इक्वल्स टू क्या होगा 2 स्क्वायर ओवर 4 माइनस 24 ओवर 2 क्यूब और प्लस c। अब बताएं c की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी कैलकुलेट करो, एट कितना आ रहा है 10। हाँ भाई सी 10 आ गया। अब आप इस सी 10 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो वो आपका आंसर। तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 24 ओवर एक्स क्यूब और सी कितना हो गया आपका 10। तो ये आपने फाइंड कर ली कर्व की इक्वेशन, ये आपके पार्ट बी का आंसर जिसमें गिवन था आपको उसका डेरिवेटिव, आपने उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके इस कर्व की इक्वेशन फाइंड किया। ये आपकी इंटीग्रेशन की टाइप वन थी।
डेविड एस ने कम्पीट कर लिया उसको, इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे मूव करूं, जल्दी कॉपी करो क्वेश्चन। चलें आगे मूव करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको क्वाइन का शेप दिया हुआ है और आप सब ने कि इस क्वाइन के पैरामीटर फाइंड कर दो, क्या करो? द डायग्राम शोज द शेप ऑफ अ क्वाइन, द थ्री आर्क्स ए बी बी सी एंड सी ए आर पार्ट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर्स सी ए एंड बी। मीन्स इस, अगर मैं इस आर्क की बात करूं तो इस आर्क का सेंटर पॉइंट क्या होगा? बी। अगर मैं इसका सेक्टर फॉर्म करूं तो इसका सेक्टर ये फॉर्म होगा। अच्छा, ए बी सी ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? इक्विलेटरल है, तो मीन्स इसका ये एंगल कितना होगा? 60 होगा। 60 मीन्स कितना होता है? पाई बाय 3 रेडियंस। रेडियस 2, तो मीन्स ये भी कितना होगा? 2 होगा। कि ट्राइंगल कौन सा फॉर्म रहा है? इक्विलेटरल। अब बोले फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कॉइन। अगर मैं एक आर्क लेंथ फाइंड कर लूँ तो मीन्स ये एस टू और एस थ्री तीनों सेम होंगे, तो फिर एक फाइंड करके टू से थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल्स टू आर थीटा। अब आर कितने? 2, और थीटा कितने? पाई बाय 3 रेडियंस है। ये बन गया आपका 2 पाई ओवर 3 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट कर लेते हैं पैरामीटर। मीन्स 2 पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ऐसे तीन आर्क्स हैं, इससे कैंसिल हो गया 2 पाई। कैलकुलेटर के आंसर आ रहे हैं, नहीं 2 पाई, 2 इंटू पाई से मल्टीप्लाई के लॉन्ग जैसे में आ जाएगा। हाँ, 2 पाई को डेसिमल में कन्वर्ट करो, 3 एस एम क्या लगे? 6.28 सेंटीमीटर। ये आपने इसका पैरामीटर कैलकुलेट कर लिया। जी बेटा, इतनी बात सबक क्लियर हुई? फर्स्ट पार्ट सबक क्लियर है? यहाँ तक प्रॉब्लम। पार्ट बी, पहले पार्ट पर डायग्राम शो करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ए बी सी ऑफ द कॉइन, giving your answer in terms of pi and under root 3. Face ABC, मतलब आपने इस पूरे जो आपको दो तीन आर्क्स ज्वाइन दिए हुए ना, इस पूरे का एरिया फाइंड करना। तो एक सिंपल सी बात, एक तो मैं अगर मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ कर लूँ, ये बन जाएगा एक सेगमेंट। मैं इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करूं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तीनों का एरिया मिल जाएगा, और उसमें एक ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। आंसर पाई और रूट 3 की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मैं इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, तो सेगमेंट के एरिया फॉर्म में क्या था? दैट मीन्स एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट मीन्स 1/2 आर स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये सेगमेंट के एरिया फॉर्मूला था। तो 1/2 रेडियस कितने हैं इसके? 2 है, और थीटा कितने हैं? पाई बाई 3 है। तो पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3, अभी 2 और 2 कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। अब ये पाई बाई 3, अब बताओ साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आ रही है? अंडर रूट 3 अपॉन 2। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये 2 पाई ओवर 3 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायरेक्ट पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट मींस एरिया ऑफ द फेस ए बी सी डी, ए बी सी। तो एक सेगमेंट का एरिया क्या था? 2 पाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, और फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड कर लेते हैं, हाफ ए बी साइन सी।
तो टू और टू कैंसिल हो गया, अब मल्टीप्लाई कर लो, ये टू पाई हो जाएगा, ये माइनस थ्री अंडर रूट थ्री हो जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करोगे, और प्लस ये टू इंटू अंडर रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स टू पाई माइनस थ्री अंडर रूट थ्री और प्लस अंडर रूट थ्री। अब इन दो का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, ये टू पाई माइनस टू रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ से टू कॉमन ले लो, ये पाई माइनस अंडर रूट थ्री हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने इस पूरे फेस ए बी सी का एरिया कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ पाई एंड रूट थ्री के फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपका आंसर रिक्वायर्ड था। जी बेटा ये बात सबक ले रही, अगर इसमें कोई बात पूछनी है कि मैंने कौन से एरिया क्या है कैसे कैलकुलेट किया पूछ लो, भी मेंशन करेंगे। जी बेटा सब तो क्लियर है, आंसर दो क्या आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में दोगे, कॉमन लिया ना। जी बेटा अगर कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लो आप, चलो आगे मूव करूँ। क्लियर बात ही, आगे मूव करूँ। देखिए अगर कोई पार्ट रह जाए करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये पीडीएफ मतलब ये पूरा जब कर रहे हैं ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं ऐसे ग्रुप पे शेयर कर दूँगा आपको, तो कोई चीज़ रह जाए तो बाद में उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 जी पी। द फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म ऑफ अ जी पी आर, ज्योमेट्री की फर्स्ट टर्म क्या दी गई आपको साइन थीटा, सेकेंड टर्म क्या है कॉस थीटा, और थर्ड टर्म क्या आपकी टू माइनस साइन थीटा, और सीक्वेंस कौन सी ज्योमेट्रिक ही आपको गिवन है। अब ये टी वन है, ये टी टू है, और ये टी थ्री है, और थीटा एक एक्यूट एंगल है और किस में रेडियंस के अंदर है। अब आपने थीटा फाइंड करना है, जब आपकी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है तो इनका रेशियो क्या होगा सेम होगा, रेशियो इक्वेट कर लो, तो टी टू ओवर टी वन इज इक्वल्स टू टी थ्री ओवर टी टू, यहाँ पुट करते हैं, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू टू माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये टू साइन थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर के, ये मैंने कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर लिया, अब ये टू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्वाड्रेटिक देखो साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वन इक्वल्स टू क्या होगा टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन अपॉन टू। अब इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लो, तो साइन इन्वर्स वन अपॉन टू, बताओ एंगल क्या आ रहा है, कैलकुलेट करना रेडियंस के अंदर, ये उसने मेंशन किया था दैट मीन्स पाई ओवर सिक्स रेडियंस, तो ये आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया। ये पार्ट थ्री मार्क्स का है पार्ट ए, अगर बेटा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम पूछ लो, तो जब भी आपको ज्योमेट्री के फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन हो कोई भी अननोन कैलकुलेट करना तो हमेशा इनके रेशियोज को इक्वेट करो। आगे मूव करो पार्ट बी, अब यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिक, और आंसर आपने इस फॉर्म में देना है। अब आपने ज्योमेट्री के फर्स्ट 10 का सम कैलकुलेट करना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन ओवर वन माइनस आर। ठीक, ज्योमेट्रिक गिवन क्या थी आपको, फर्स्ट टर्म क्या थी साइन थीटा, सेकेंड टर्म क्या थी कॉस थीटा, और थर्ड टर्म क्या थी टू माइनस साइन थीटा,
अब आपसे बोले आपने थीटा की वैल्यू यूज़ कर ली है, थीटा कितने कैलकुलेट किया आपने, पाई बाय सिक्स, तो ज़रा साइन पाई बाय सिक्स कॉस पाई बाय सिक्स वैल्यूज कैलकुलेट किया आ रही बताओ, और टू माइनस साइन पाई बाय सिक्स इनकी ज़रा वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। आई थिंक साइन पाई बाय सिक्स क्या आ रहा था, वन अपॉन टू, मतलब कॉस पाई बाय सिक्स क्या आ रहा है, और टू माइनस वन अपॉन टू मीन्स आ जाएगा थ्री अपॉन टू, दो आ रहा है। अच्छा अब इस ज्योमेट्रिक में ए कितना हो गया हाफ, रेशियो कैलकुलेट कर लो, तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो रेशियो कितना आ गया आपका अंडर रूट थ्री। अब फर्स्ट टर्म का सम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एन में टेन पुट कर लो, ए कितना है हाफ इंटू वन माइनस आर, आर कितना आपका अंडर रूट थ्री होल पावर टेन ओवर वन माइनस आर, आर कितना आपका अंडर रूट थ्री, अब वन ओवर टू वन माइनस, अब जो रूट थ्री की पावर टेन कैलकुलेट करो क्या आ रही है, रूट थ्री की पावर टेन की वैल्यू क्या आ रही है, कितना आ रहा है 243, ये 243 हो गया जी, और ओवर 1 माइनस अंडर रूट 3। अब जरा आप वन अपॉन टू ये पूरा कैलकुलेट कर लो, जरा वन अपॉन टू इंटू वन माइनस 243 क्या आ रहा है, नेगेटिव में आएगा माइनस 121 ओवर वन माइनस अंडर रूट थ्री। अब देखो माइनस 121, अब आप नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये आपका अंडर रूट थ्री माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये 121 ओवर अंडर रूट थ्री माइनस वन हो गया, और आपने आंसर इसी फॉर्म में देना था। उसने कहा बी और सी की वैल्यूज डिफाइन भी करो क्या है, तो कंपेयर कर लो, तो मीन्स बी कितना हो गया 121 और C कितना हो गया 3। ये आपने B और C की वैल्यूज भी डिफाइन कर दी कि B 121 है और C कितना आपका 3, या आपने उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर कैलकुलेट कर दिया, मतलब ज्योमेट्रिक में फर्स्ट टर्म का सम रिक्वायर्ड फॉर्म में कैलकुलेट किया। अब बताएं इसका पार्ट A और पार्ट B क्लियर हो गया, डेस्टिनी प्रॉब्लम किसने भी पूछना है इसके यहाँ तक, आगे मूव करूँ, मैं नीचे माइनस कॉमन लिया क्योंकि उसने आंसर इस फॉर्म में कहा था, इसमें रूट मुझे पहले चाहिए था, तो रूट पहले लाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, सही है, आगे मूव करूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अब आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है, बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, जीरो करो, डिफरेंशिएट करो उसको, स्टेशनरी पॉइंट्स की बात हो रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फाइव, न फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x और 8x क्या होगा 8, 5 कॉन्स्टेंट कितना होगा 0, तो ये तो आपने फाइंड किया इसका डेरिवेटिव। नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्यों एक ही टर्निंग पॉइंट होगा इसका, तो उस पॉइंट पर आपके डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा 0, इक्वेट करो, तो 2x माइनस 8 इक्वल 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या होगा 8, तो x इक्वल्स टू क्या रहेगा 4। अब x 4 को पुट कर दो आप कर्व की इक्वेशन में, तो y इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5, बताएं इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, माइनस 11, तो मीन्स इस पूरे कर्व का एक ही टर्निंग पॉइंट है जो है आपका 4 कॉमा माइनस 11, जो कि एक मिनिमम पॉइंट है इस कर्व का।
दो कर्व क्वाड्रेटिक हैं और उसके स्क्वायर पॉजिटिव है, ये कब अप शेप बनेगा? तो ये पॉइंट मिनिमम है और जो मिनिमम पॉइंट आपने ये कैलकुलेट किया, तो इस पॉइंट ने कोऑर्डिनेट किया आपका 4 और माइनस 11। अब बताएं इसके पार्ट ए, सब क्लियर हो गया? जी बेटा, सी प्रॉब्लम पार्ट बी, ट्रांसफॉर्मेशन आगे भी। अ कर्व स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ टू पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड देन ट्रांसलेट बाय 4, 1। तो बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्म कर्व। पहले कर्व को ट्रांसफॉर्म कर लो, फिर वहाँ से एच के रीड कर लो, उसको वर्टेक्स से आ रहे तो उसके आंसर जाएगा। ग्राफ के ये फंक्शन है, इसको यूज़ करो। 4 माइनस 10 मिल चुका है आपको ट्रेडिंग पॉइंट, एच के तो कैलकुलेट कर लिया ना आपने। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूँ इस इक्वेशन की, देखो तो y इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस k, ये इक्वेशन है। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि जी इस कर्व को पहले स्ट्रेच करो पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y का मतलब क्या होगा? वर्टिकल स्ट्रेच होगा। तो वर्टिकल में क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं? स्ट्रेच फैक्टर क्या दिया हुआ आपको? 2। तो पहले इस पूरे को स्ट्रेच करते हैं। तो इक्वेशन जो दी हुई आपको y इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या थी, माइनस 8x प्लस 5। इसकी जनरल फॉर्म जो मैंने कैलकुलेट की वो ये थी, x माइनस 4 होल स्क्वायर और माइनस 11। अब मैं इसको वर्टिकल स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि फैक्टर 2 दिया हुआ है। तो 2 इंटू वाई, वाई क्या है मेरे पास, x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 11। ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा। ये तो आपने वर्टिकल स्ट्रेच कर लिया फैक्टर 2 के ऊपर। अब इसको आपने ट्रांसलेट करना है बाय 4, 1 से। अब ये a है और ये b है, तो a कहाँ पे ऐड होगा? अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, देखो ये 2 इंटू एक्स माइनस 4 में एक और माइनस 4 ऐड कर लूँ और माइनस 22 में 1 ऐड कर लूँ, ये करते हैं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 21 हो जाएगा। अभी ट्रांसलेट भी हो गया, देखो एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी होती ट्रांसलेशन। तो एक्स माइनस 4 तो ऑलरेडी था, उसमें से आपने ए और माइनस करना था, तो ए कितना गिवन था आपको, 4, उसमें ऐड कर दिया और फिर जो आपको 1 दिया वो बी में ऐड हो जाएगा, राइट? ट्रांसलेट हो गया। अब इसका एच के क्या होगा, इसका एच कितना है, 8 के कितना है, माइनस 21। तो मीन्स आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अब इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, अब इसका मिनिमम पॉइंट बन जाएगा आपका 8 और माइनस 21। क्या चीज़ जनरल फॉर्म होता है एक्स माइनस ए प्लस बी। अब ये x मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 4 फिर माइनस a, a कितना दिया हुआ आपको 4 फिर प्लस b, b कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे माइनस 21 दिया हुआ है, इसमें फिर 1 ऐड करूँगा। सही, क्लियर ही बात है? तो अब इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा, बस 8 और माइनस 21 हो गया। मीन्स पहले मैंने इसको फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया फिर वहाँ से h के रीड कर लिया। अब बताए बात क्लियर होगी, पहले वर्टिकल स्ट्रेच हुआ देन ट्रांसलेट हुआ फिर वहां से मैंने एच के रीड कर लिया। अब बताए इसके पार्ट ए और पार्ट बी, क्लियर हो गया बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम? जो डायग्राम मूव करूं पार्ट सी। अब आपसे क्या बोले, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म कर्व, जो आपने ट्रांसफॉर्म किया है कर्व उसका आंसर क्वाड्रेटिक फॉर्म में शो कर दो और ए बी सी स्ट्रेट कर दो। तो ये रहा आपका कर्व ट्रांसफॉर्म, पॉजन पार्ट है। तो वाई इक्वल्स टू
टू इंटू एक्स माइनस एट होल स्क्वायर माइनस 21, ये दिया है। चलो यहाँ गए, अब इसको आपने खाली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, खाली एक्सपेंड करेंगे इसको, तो 2 इंटू एक्स माइनस एट होल स्क्वायर माइनस 21, इसे कन्वर्ट करना आपने क्वाड्रेटिक के अंदर, तो 2 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर देन माइनस 21, अब ये 2x स्क्वायर माइनस 32x, ये प्लस 128 माइनस 21 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 32x, बताओ हम दो का डिफरेंस क्या है, प्लस 107। अब अपने इस आंसर को इस फॉर्म से कंपेयर कर लो, तो बताओ a कितना हो गया 2, b कितना हो गया माइनस 32 और सी कितना हो गया 107। ये इतना पार्ट 4 मार्क्स का, इसमें ए बी सी का एक नंबर और एक नंबर एक्सपेंशन का है। अच्छे से मेजॉरिटी गलती करते हैं, खाली इस फॉर्म में लिखा ए बी सी, उसमें लिखा है फाउंड करना है, लेकिन लोग लिखते नहीं हैं, यहाँ नहीं लिखा आपने ए बी सी, आपने तीन नंबर लूज किए, एक नंबर ए का है, बी का, एक सी का, एक एक्सपेंशन का है, यही नंबर लूज होते हैं, क्वेश्चन को पिक नहीं किया था। तो बड़ा इसका तीनों पार्ट सब क्लियर हो गया, याद होगी प्रॉब्लम, आगे मूव करूं। चल क्वेश्चन नंबर 7, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, शो होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ करनी है आपने, वेरीफाई कैसे करोगे इसको, या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर एक्स ही वैल्यू पुट कर दो, दोनों साइड इक्वल आ जाए, वेरीफाई हो जाएगा दी, आप दोनों में सुनिए, वेरीफाई द, वेरीफाई मीन्स कोई भी वैल्यू पुट के वेरीफाई कर दो कि लेफ्ट राइट सेम आ जाए, तो मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं पुट एक्स इक्वल्स टू 1 पुट कर देता हूँ, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, 8 इंटू 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1, देखो दोनों साइड का आंसर सेम आ रहे हैं, करो कैलकुलेट करो, मतलब 5 और ये भी कितना आ रहा है 5, सेम आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया, तो मीन्स आपने इस आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लिया, जरूरी है वन पुट करें आप 2, 3, 4 कोई भी पुट करके लेफ्ट राइट मैच कर दो, खाली वेरीफाई हो जाएगा, जीरो से भी हो जाएगा, बस हाफ मत पुट कर देना। चलो पार्ट बी करो, अब आपने प्रूफ करनी आइडेंटिटी, जल्दी पार्ट ए सब क्लियर हो गया, पार्ट बी में इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहा हूं, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब टेंजेंट क्या होते हैं साइन ओवर कॉस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा आपका माइनस 1, अब ऊपर एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब नीचे भी एलसीएम ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब इस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब रिमेनिंग पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1,
अब नीचे आंसर आपने कॉस की फॉर्म में देना है, तो साइन स्क्वायर ब्रेक कर लो, तो साइन स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 ओवर 1 माइनस माइनस कॉस स्क्वायर, ये माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपने शो करना, ये आपने पार्ट बी में जो आपकी आइडेंटिटी थी वो आपने प्रूव कर दी। ये बड़े देखो प्रॉब्लम, आगे मूव करूं, फिर पार्ट सी। अब आप सुनना, आपने ए और बी के जो रिजल्ट्स हम यूज करने और आपने सॉल्व करने से इक्वेशन, उसने आपको अदरवाइज का ऑप्शन नहीं दिया, याद रखना, मतलब आपने लाजमी पार्ट ए और बी के आंसर यूज करने हैं। चलो यूज करते हैं, पहले इस पूरी फ्रैक्शन को मैंने क्या शो किया, क्या शो किया, तो वन ओवर वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है, 4 cos theta। अब पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 equals to 4 cos theta इंटू ये 1 माइनस 2 cos square theta हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये 4 cos theta minus 8 cos cube theta हो जाएगा, इन दो को वहाँ शिफ्ट कर लो, तो 8 cos cube theta minus 4 cos theta plus 1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। इक्वेशन क्यूबिक बन गई। अब जरा पार्ट ए पे आ जाओ, बट एक मिनट सब देखें, हम लोग पार्ट ए में क्यूबिक आपको कुछ ये दी भी थी और इसके फैक्टर इसकी इक्वल है, तो मैं पार्ट वन से इसको फैक्टराइज इससे कर लेता हूँ, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करूँगा, कॉस, इतनी फर्क है ना, 2x-1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x-1 इंटू सेकेंड क्या है, क्वाड्रेटिक, 4x² + 2x - 1 तो 4x² + 2x - 1 ये ना इक्वेशन ही बन रही थी। अब दोनों को जीरो से इक्वेट कर लो, तो 2 cos theta - 1 = 0 और 4 cos square theta + 2 cos theta - 1 = 0। मैंने पार्ट ए बी के दोनों आंसर यूज कर लिए। अब जो मैंने आंसर फाइंड करने बिटवीन फर्स्ट सेकंड क्वार्ट में कैलकुलेट करने, तो डोमेन आपकी 0 से 180 के इन बिटवीन है, तो पहले cos theta equals to क्या होने का, हाफ। अब cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव किन किन क्वार्ट्स में होता है, एक फर्स्ट में, एक फोर्थ में होता है, मेरी डोमेन सिर्फ 0 से 180 है, तो खाली फर्स्ट में कैलकुलेट करूँगा उसमें आगे, तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/2, बताओ एंगल क्या आ रहा है, नहीं डिग्री में करना है, डिग्री में दिया हुआ है 0 से 180, डिग्री में कैलकुलेट करो मीन्स कितना आ रहा है, डोमेन देखो ना 180 में दिए 60 degrees, एक आंसर तो ये आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक है, बताओ इसके दो फैक्टर क्या है, दो आंसर्स क्या रहेंगे cos थीटा के, ए 4 है, बी 2 है, सी माइनस 1। फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, क्या रहे माइनस 1 और यहाँ पे तो मींस, अच्छा इसके बताओ डेसिमल वैल्यू क्या आ रही है इसकी, अब बताओ डेसिमल वैल्यू क्या आ रही है इसकी, √5 - 1/4 0.31। एक और बताओ, नहीं नहीं 3-1 के आगे क्या आ रहा था,
309 और ये कहता है माइनस 809. अब यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो खाली फर्स्ट क्वार्ट में कैलकुलेट करोगे, और यहाँ पे कॉस नेगेटिव तो खाली सेकंड क्वार्ट में कैलकुलेट करोगे, फिर डोमेन आपकी 0 से 180 की. तो यहाँ पे तो फर्स्ट क्वार्ट में थीटा क्या होगा, अल्फा होगा. तो कॉस इनवर्स 0.309, इसके एंगल क्या आ रहे हैं कैलकुलेट करो. डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, क्वाड्रेटिक है, फॉर्मूला यूज क्यों करेंगे हम डायरेक्ट. 72.0 और यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, 180 माइनस अल्फा होगा. तो 180 में से माइनस करेंगे कॉस इनवर्स 0.809. 144.0. तो ये तीन आंसर्स बन गए मेरे पास. अब तीनों को अरेंज कर लो असेंडिंग ऑर्डर में. ये फाइनल आंसर्स हैं इसके, कि मीन 60, 72 और 144. ये सारे आंसर आपके बिटवीन 0 और 180 पर आ गए. जी बेटे, बात सब क्लियर हो गई, जल्दी से कॉपी करो, आगे मूव करते हैं. ये डायरेक्ट एंटी क्लॉक वाइज ही था, क्लॉक वाइज में फिर नेगेटिव में लिखता है और मूव करता है. पॉइंट 1 डिग्री पे, डिग्री है ना. तो इन तमाम बातों के ना आपने लाजमी के जो उसके पेज फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शंस हैं ना पढ़नी है आपने. मैं आपको भी पढ़वा भी देता हूँ. सर मैंने तो कंप्लीट कर लिया, देखो एक मिनट सर, ये चीज़ एक तो पढ़ लो आप लोग ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो जाए. या देखो सर, क्या जितने भी नॉन एग्जैक्ट आंसर्स हैं वो आपने 3SF पे देने हैं, और 1 decimal प्लेस फॉर एंगल्स इन डिग्रीज. तो जब भी एंगल कैलकुलेट करोगे डिग्रीज में तो 0.1 पे आंसर दोगे, इसलिए 0.0 मेंशन कर रहा हूँ. ये इंस्ट्रक्शन में दस की बात, तो ये चीज़ें पढ़ा करो ठीक है. ये कंप्लीट हो गया. अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, फंक्शंस का है वो करते हैं. आगे मूव करूँ, चलो पार्ट ए, फंक्शन एफ का इन्वर्स कैलकुलेट करना है और ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. तो इन्वर्स के लिए पहले वाई से इक्वेट करो फंक्शन एफ को. तो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए, तो पहले उसको वाई से इक्वेट कर रहा हूँ. अब यहाँ से आपने एक्स को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, तो y प्लस ए इक्वल्स टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर. जब आप स्क्वायर डालोगे तो उस पर रूट आएगा, तो y प्लस ए और इक्वल्स टू क्या होगा, x प्लस ए. अब रूट पे साइन पॉजिटिव नेगेटिव वो कहाँ से पिक करोगे, इसके डोमेन का साइन पिक कर लो. डोमेन पे साइन कौन सा f है, लेस देन है, तो रूट पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव. अब इस a को वहाँ शिफ्ट कर लो, तो माइनस ए माइनस अंडर रूट वाई प्लस ए इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स. सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया, अब रिप्लेस कर लो. तो माइनस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स. तो ये आपने फंक्शन एफ का इनवर्स कैलकुलेट किया. रूट पे साइन नेगेटिव मैंने फंक्शन एफ के डोमेन से पिक किया है. अगर डोमेन पे साइन लेस हो तो रूट पे साइन कौन सा आता है, नेगेटिव. अगर डोमेन पे साइन ग्रेटर हो तो रूट पे साइन कौन सा आता है, पॉजिटिव. ये बेटा पार्ट ए सब क्लियर हो गया.
आगे मूव करूं, पार्ट बी। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, स्टेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ इनवर्स। जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की क्या होती है, डोमेन। पहले फंक्शन की रेंज कैलकुलेट कर लो, इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म में, तो x माइनस इंटू माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए हो गया। इसका h कितना है, माइनस ए। इसका k कितना है, माइनस ए। और यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव। कब अब शेप बनेगा, अब इसका टर्निंग पॉइंट h कॉमा k माइनस ए माइनस ए है। फॉर एग्जांपल ये भी माइनस ए और ये भी कितना है, माइनस ए। ये टर्निंग पॉइंट है, तो ग्राफ कुछ बनेगा। अब आपकी डोमेन क्या दी है, डोमेन दी है आपको माइनस ए के इक्वल और उससे लेस। तो मतलब ये ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यूँ जाएगा। अभी ग्राफ मिनिमम वाई पे कितना होगा, माइनस ए, बाकी उससे क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। तो फंक्शन की रेंज इस डोमेन में क्या बनी कि y माइनस ए के इक्वल और उससे क्या है, ग्रेटर। तो जो फंक्शन की रेंज वो इनवर्स की क्या होगी, डोमेन। तो आंसर क्या लिखोगे कि x माइनस ए के इक्वल और उससे क्या होगा, ग्रेटर। तो ये इनवर्स की डोमेन। अब आपसे बोले स्टेट द रेंज ऑफ f इनवर्स। अब इनवर्स की रेंज फंक्शन की क्या होगी, डोमेन। डोमेन क्या दी थी आपको f को, x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। ये इसका आंसर है। डन। उसने कहा ना स्टेट मीन्स डायरेक्ट आंसर है कि नंबर के, फंक्शन की रेंज फंक्शन की डोमेन वो इनवर्स की डोमेन नहीं बन रही। तो रेंज वाई में लिखूंगा, सो नेक्स्ट लिख दिया ये वाई, रेंज वाई में और डोमेन एक्स में। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं आपसे, ए दिया हुआ आपको 7/2 और आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मीन्स सबसे पहले क्या करोगे, पहले फंक्शन फॉर्म कर लो। दैट मीन्स जी इंटू एफ ऑफ एक्स, मीन्स फंक्शन जी के डोमेन में किसको पुट करोगे, एफ को। तो जी के डोमेन में एफ को पुट करते हैं। जी क्या है, 2x-1। तो 2x-1 मीन्स के 2f(x-1). अब यहाँ पे फंक्शन f पुट कर लो, तो f क्या दिया मुझे, x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए। x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस ए देन माइनस वन। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 2 इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 2a-1। अब यहाँ पे a पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 7/2 होल स्क्वायर, 2 × 7/2 देन माइनस वन, इससे कैंसिल हो गया। तो 2 × x+7/2 होल स्क्वायर माइनस 7-1 क्या होगा, माइनस 8। ये आपने फंक्शन फॉर्म कर लिया जी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब इसको आपने किससे इक्वेट करना है, जीरो से। तो 0 = 2 इंटू एक्स प्लस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 8। अब माइनस 8 को वहाँ शिफ्ट कर लो, तो 8 = क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 7/2 होल स्क्वायर। 2 × 1 = 2 और 2 × 4 से क्या होगा आपके, 8। तो 4 = x+7/2 होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर डालोगे अदर साइड पे क्या आएगा, प्लस माइनस रूट आ जाएगा। तो x+7/2 = क्या होगा, ये प्लस माइनस 2 आएगा। आप इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो x+7/2 = -2 और x+7/2 = क्या होगा, प्लस 2। तो x = क्या होगा, -2 - 7/2 और फिर ये 2 - 7/2। अब ये -11/2 जाएगा और ये -5/2 करीब 3/2 जाएगा। अब एक आंसर आपका -5.5 और एक आंसर क्या आपका -1.5। देखो
ये आंसर आ गया इसका, ये आपने इक्वेशन सॉल्व कर ली। तो पहले आपने फंक्शन की कॉम्पोजिशन फॉर्म की, देन इसको आपने जीरो से इक्वेट किया। हाँ दे दो कुछ, असल में इन प्रॉपर आदत सी, इन प्रॉपर कभी आंसर से नजर नहीं कोई फर्क नहीं, ये इसमें कोई फर्क नहीं। जी बेटा कंप्लीट, आगे मूव करूँ नेक्स्ट। चलो जी ए और बी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर दो। ए बी किसका फाइंड करोगे? ए और बी दोनों पॉइंट कौन से पॉइंट्स हैं? दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। क्या करोगे? इक्वेट कर दो। तो दोनों को पहले सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस ए और बी के लिए। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 9। तो 2x to the power 1/2 प्लस 13x to the power -1/2 इक्वल्स टू 3x to the power -0.5 और प्लस 12। अब अरेंज कर लेते हैं, तो 2x to the power 1/2 प्लस 13x to the power -0.5, इन दो को बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो -3x to the power -0.5 देन -12 और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। तो 2 × x to the power 1/2 13 − 3 कितना होगा? 10। x की पावर -0.5 देन -12 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब जो माइनस में पावर है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये 10/x to the power 1/2 हो जाएगा, फिर -12 और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब इसे वाई सपोज कर लो, ये बन गई आपकी डिस्गाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब मींस ये हो जाएगा आपका 2y + 10/y - 12 और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब यहाँ पे y एलसीएम ले लो, तो 2y² + 10 - 12y इक्वल्स टू क्या होगा? 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2y² - 12y + 10 और इक्वल्स टू क्या होगा? 0। अब रहे इस क्वाड्रेटिक के दो आंसर्स क्या आ रहे हैं? -1 और -5। अब y मैंने क्या सपोज किया था? x^(1) = -1 और x^(1) = -5। अब आपको दो साइड क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग। तो x = -1² हो जाएगा और x = -5² हो जाएगा। तो एक आंसर क्या होगा? 1 और एक आंसर क्या होगा आपका? 25। अच्छा, ये तो मैंने फाइंड किया एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स के बाद क्या पूछा? तो पूरे कोऑर्डिनेट पूछा आपसे। तो इस एक्स को मैं कहाँ पुट करूँगा? कर्व की इक्वेशन, किसी भी एक में पुट कर दो कर्व की इक्वेशन में, कि मुझे पूरा ए बी फाइंड करना है। तो पहले पॉइंट ए कोऑर्डिनेट फाइंड करो, पॉइंट ए पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1। तो आप कर्व की इक्वेशन में एक्स 1 पुट कर लो, तो 2 × 1^(1/2 + 13 × 1^(-0.5। बताओ उसमें वाई कितना आ रहा है? 2 + 13 कितना हो गया? 15। तो पॉइंट ए क्या हो गया आपका? 1, 15। लिखा है ना, भी क्या उसमें ए पहले भी बाद में ड्रैगन शो करिए, सही है। अब बी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बी पे एक्स कितना होगा? 25 होगा। तो 2 × 25^(1/2 और 13 × 25^-0.5 और तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा है? 10 13/5।
10 plus 30 upon 5 50. आई थिंक 63/5 हो गया, 63/5 आ रहा है, चेक करो. 63/5 तो पॉइंट बी हो गया आपका जी 25.63/5. तो ये फाइंड कर लिया आपने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए. अब तो ए और बी क्लियर हुआ. आप ये दिमाग में रखो कि इस फ्लो से आपको एग्जाम पेपर करना पड़ेगा जब टाइम पेपर कंप्लीट होता है. हम कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, हमें तकरीबन 1.25 घंटा हो गया, तो इस फ्लो से करोगे तो पेपर पूरा कंप्लीट होगा. क्योंकि क्वेश्चन में सोच ही ना, बस डायरेक्ट सॉल्व किया जा रहा हूँ. पार्ट बी क्या बोल रहे हैं आपसे, हेंस फाइंड द एरिया. तो जो आपने ए और बी कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए हैं, ये लिमिट्स बन गई आपकी. अब आपने इन लिमिट्स पे दोनों कर्व को इंटीग्रेट करना है, दोनों के एरिया का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, वो आपका रिक्वायर्ड क्या होगा आंसर. अब देखो आपने ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे वो 1 और 25 फाइंड किए थे. मीन्स कि इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आता है, 1, और इस पॉइंट पे एक्स का फाइंड किया था 25. अब आप सबसे पहले इस कर्व को इन लिमिट्स पे इंटीग्रेट करो तो आपको एक एरिया मिलेगा. फिर सेम लिमिट्स पे आप इस कर्व को इंटीग्रेट करो, फिर दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो वो आपके रिक्वायर्ड क्या होगा एरिया. डायरेक्ट करते हैं सर, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो लिमिट्स क्या आपकी 1 और 25. अब मेरे पास फर्स्ट कर्व की इक्वेशन कौन सी, ये 3x^-12 3x^-12 और इनटू क्या होगा dx. इसमें से माइनस करूँगा मैं, लिमिट सेम है 125. सेकंड कर्व की इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x^(½) + 13x^-½. 2x^(½) + 13x^-½ और ये क्या होगा आपका dx. इन दो का डिफरेंस वो आपको देगा रिक्वायर्ड एरिया. तो पहले फर्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, 3 सेम रहेगा, पहले x^ में 1 ऐड करोगे, सम कितना आएगा हाफ, उससे डिवाइड करोगे. 12 कांस्टेंट है, 12x हो जाएगा वो. और लिमिट्स क्या आपकी 1 और 25. अब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो 2 पहले x^ में 1 ऐड करो, हाफ प्लस 1 कितना होगा 3/2, से डिवाइड करोगे. फिर प्लस 13 -½ पे 1 ऐड करोगे, प्लस हाफ आएगा, उसे डिवाइड करोगे. और लिमिट्स क्या आपकी 1 और 25. अब लिमिट्स पुट करते हैं, देगा आपके 6√x और ये प्लस 12x हो जाएगा. लिमिट्स क्या आपकी 1 और 25 माइनस, अब ये क्या होगा 4/3 और x^ क्या आपकी 3/2 प्लस, अब ये क्या आपके 26√x हो जाएगा. लिमिट्स क्या आपकी 1 और 25. अब लिमिट्स पुट कर दो, तो पहले x पुट करते हैं इसकी अपर लिमिट, 6√25 प्लस 12 × 25 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, 6√1 प्लस 12 × 1 फिर माइनस, अब यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो 4/3 × 25^3/2 प्लस 26√25 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 4/3 × 1/3/2 प्लस 26√1. अभी पूरा एक साथ कैलकुलेट कर लो, वो आपके रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा. कौन से, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, हाफ से डिवाइड होगा,
अभी पूरे एक साथ कैलकुलेट कर लो, बताओ आंसर क्या है। दोनों का एक साथ कर दिया ना, पहला माइनस दूसरा, दो फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, फर्स्ट में सेकंड माइनस की। आप चाहो तो अलग अलग करके ही मैनेज कर सकते हो। तो पूरे एक साथ आंसर दो, एक साथ आंसर क्या रहे। बेटा क्या आंसर है, अरे भाई वो कैलकुलेट तो करो, माइनस 12 माइनस भी नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो भी आएगा। सिक्स फाइव थर्टी ट्वेल्व इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स फाइव थर्टी थ्री थर्टी तो ये हो गया, माइनस बारह छः अट्ठारह एटीन हो गया, फिर माइनस की कितना हो गया जी, फोर डिवाइड बाई थ्री में आठ मल्टीप्लाई बाय 125, ये कुछ 166.66 आ रहा है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये फोर डिवाइड बाई थ्री ऐड कर दूँ 26, तो ये आ गया 27.33। अब ये प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 330 माइनस 18 माइनस 166.66 और प्लस 27.33 ये आ गया 172.7 यूनिट स्क्वायर। लो भाई मैंने वैसे कर दिया, तो ये आपने इसका एरिया कैलकुलेट किया। आ रहे किसी का आंसर से मैच कर रहा है, तकरीबन मैच कर रहे हैं। मैंने हर ब्रैकेट कैलकुलेट कर दिया, किसी का आंसर मैच किया मुझसे। कोई तो किसी ने आंसर कैलकुलेट किया होगा, जी बेटा ऐसे तो मार्किंग किसे कर लेता आंसर है। यदि पेपर कंप्लीट करना है, कितने क्वेश्चन हुए अभी, ये 9 है अभी, तो अभी तो 10 बाकी है और 11 भी है, दो क्वेश्चन बाकी हैं, टाइम कम है, जल्दी चलो आप लोग इस आंसर टैली कर लेना भाई। सर क्या है 172.7 चलो फिर देख लेना इसका आंसर, शायद प्लस माइनस में 128/3 होगा।
सही है कि मैंने तो यूज़ किया था कैलकुलेटर मोबाइल जो मेरा छिपियाँ लिख देता हूँ मैं 128/3 कि दो का आंसर मैच कर ठीक होगा वो यूनिट स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए। देखो आप लोग 10 मिनट में दो क्वेश्चन करने हैं, जल्दी देखो आप। अब आपको फंक्शन कहते हैं बोले फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द कर्व, उनकी नेचर भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन गिवन है आपको 4x - 3 होल पावर 5/3 - 20/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। नाउ फाइंड d/dx इनटू f(x)। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो पहले पावर ड्रॉप करोगे, फिर आपने इसकी ऑन द होल पावर में से 1 माइनस करना है और फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -20/3 सेम रहेगा। जब आप x को डिफरेंशिएट करो 1 हो जाएगा वो, तो 5 4 20 20/3 इंटू 4x - 3। अब ये 3/5 - 3 कितने 2/3 रहेगा, 2/3 फिर -20/3। तो ये आपने फाइंड किया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, मींस कैलकुलेट कर लिया आपने f' (x)। अब यहीं पहले आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लो, उसके बाद भी पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मीन्स कैलकुलेट करो मैं f" (x)। मीन्स इसका सेकेंड डेरिवेटिव तो 20/3 सेम रहेगा। अगेन पहले इसकी पावर ड्रॉप करोगे, फिर आपने इसकी ऑन द होल पावर में से 1 माइनस करना है। अब आप 4x - 3 को डिफरेंशिएट करो, आंसर 4 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे, -20/3 क्या है, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। अब 4 × 2 = 8, 8 = 16, तो ये 160/9 इंटू 4x - 3 होल पावर -1/3 हो जाएगा। अब आप इसकी पावर को पॉजिटिव कर लो, तो 160/9 इंटू 4x - 3 दैट इज 4 × 4 = 8, सॉरी 4 × 8 = 8 कितना होगा 16। ये 4x - 3 होल पावर करेगी +1/3, ये आपने कैलकुलेट किया इसका सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, क्या करोगे पहले, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 से इक्वेट करेंगे। नाउ पुट f' (x) इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो 20/3 इंटू 4x - 3 होल पावर 20/3 2/3 फिर -20/3 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। इसको पहले वहाँ शिफ्ट कर लो, तो 20/3 × 4x - 3 होल पावर 2/3 इक्वल्स टू क्या होगा, 20/3 हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। तो 4x - 3 होल पावर 2/3 इक्वल्स टू क्या है, 1। जब यहाँ से 2/3 रिमूव करोगे तो आपके अदर साइड पे क्या होगा, 1 की पावर 3/2 बन जाएगा। तो 4x - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 3/4। तो ये x 1 आ जाएगा। अब आप इसने पूरा क्या पूछा आपसे, एक्स कोऑर्डिनेट पूछा तो आ गया। अब आप नेचर कैलकुलेट करनी है, तो जो आपने डबल डिफरेंशिएट किया उसमें एक्स 1 पुट कर दो। तो फॉर नेचर तब f" (x)) में एक्स 1 पुट कर दो, तो 160/9 इंटू 4 × 1 - 3 होल पावर 1/3। बताओ उसका आंसर क्या आ रहा है,
गिव 160/9 आ रहा है, मींस आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पर नेचर क्या हो जाएगी इसकी, मिनिमम। तो मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो इस कर्व में सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट था जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 और उसकी नेचर क्या है, मिनिमम। जी बेटा, सिर्फ प्रॉब्लम फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से इक्वेट किया, एक्स 1 आ गया, एक्स 1 रिपोर्ट किया आपने डबल डेरिवेटिव पे, तो आंसर आ रहा है 160/9, मीन्स आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव की नेचर क्या होती है, मिनिमम। एक पार्ट बी भी है, अब आपसे बोलेंगे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, उसका आपने सेट ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करने, तो फंक्शन अगर इंक्रीज हो क्या होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर होता है। देखो आपने जब एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 से इक्वेट किया, एक्स बना रहा था, मेरे पास यहाँ पे आंसर ये बनना चाहिए कि एक्स की इन सेट ऑफ वैल्यूज पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बन मांगते हैं डायरेक्ट स्टेट कर लीजिए, सिर्फ यहाँ फर्क क्या आएगा, जहाँ पे इक्वल का साइन है ना, यहाँ प्लेस कर दो इनइक्वालिटी, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ये मिल जाएगा आंसर। तो नो नीड के पूरी वर्किंग करूँ वन मार्क के लिए, डायरेक्ट आंसर स्टेट दे दूँ कि एक्स वन से ग्रेटर पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पार्टी वन मार्क है ना, इसमें वर्किंग चाहिए नहीं है। अगर फंक्शन इंक्रीज हो तो क्या होता है, उसमें आपका डी वाई ओवर डी जीरो से ग्रेटर होता है, हमने इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कैलकुलेट की है, वो क्या आ रही है, वन आ रही है। अब साइन कौन सा है, ग्रेटर आएगा तो वन से इंक्रीज करेगा वो, सही है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है सर्किल का, जी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर दिस। अब आपको पॉइंट ए ये दिया हुआ है, पॉइंट बी ये दिया हुआ है, पॉइंट सी आपको दिया हुआ है। अब आपसे बोले पी एक कांस्टेंट है, द लाइन ए बी वो आपकी लाइन क्या है, लाइन बी सी से क्या फॉर्म हो रही है, फॉर्म हो रही है। अब यहाँ से आपने P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और P आपका लेस देन 10 होना चाहिए। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, अब पॉइंट A क्या आपका 6-4, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दी x 6 और y 4 है, ये पॉइंट A है। तो पॉइंट B पे y कोऑर्डिनेट क्या आपका 7 है, तो कुछ यहाँ आना चाहिए, और पॉइंट सी उससे भी ऊपर आना चाहिए कि उस पर 14,18 आ रहा है। अब लाइन ए बी एंड लाइन बी सी आपस में क्या हो रही है, परपेंडिकुलर फॉर्म हो रही है। अब आपने पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मींस अगर मैं इन दो पॉइंट से एम वन कैलकुलेट करूँ, इन दो पॉइंट से एम टू कैलकुलेट करूँ, तो एम वन मल्टीप्लाई बाई एम टू इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ से पी मिल सकता है मुझे, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले एम वन कैलकुलेट कर रहा हूँ ए बी का, तो वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। अब वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन। अब ये थ्री ओवर पी माइनस सिक्स, अब 18 माइनस सेवन ये 11 ओवर 14 माइनस पी हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन। तो 33 इक्वल्स टू माइनस वन इंटू पी माइनस सिक्स इंटू 14 माइनस सिक्स हो जाएगा। अब इनका ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्वाड्रेटिक बननी चाहिए, तो 33 इक्वल्स टू माइनस वन, अभी क्या होगा 14p माइनस 6p, फिर माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना रहा,
14 मल्टीप्लाई बाय 6 84 और ये प्लस 36 अच्छा 14 माइनस पी है सॉरी तब मल्टीप्लाई कर तो 14 पी माइनस पी स्क्वायर अभी हो गया माइनस 84 और प्लस 6p तो 33 इक्वल्स टू माइनस 14p प्लस पी स्क्वायर प्लस 84 माइनस 6p तो पी स्क्वायर माइनस 20p अब आप 84 में से 33 माइनस कर दो ये प्लस 51 हो जाएगा इक्वल टू जीरो मैंने कॉन्ट्रडिक्ट और यहाँ से p का आंसर क्या आ रहा है चलिए 17 और 3 एक 17 आ रहा है एक 3 आ रहा है अब मेरे पास P क्या था कंडीशन लेस देन 10 होना चाहिए तो 17 इग्नोर कर दो P का आंसर क्या होगा आपका 3 क्योंकि कंडीशन दी है P आपका लेस देन 10 होना चाहिए जी बेटा अब बोलो क्या होगा वन से क्या ऑपरेट करते माइनस वन से क्यों मल्टीप्लाई किया तो नाइन से एक ही बात बनेगी तो ये पार्ट ए का आंसर क्या हो गया आपको पी थ्री आ गया जो आपकी क्यों पी कंडीशन थी लेस देन 10 चाहिए अब आपने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है अब बताओ ये कैसे फाइंड करोगे जल्दी बताओ जरा सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे अब जरा एक बात समझना बेटा इधर मैं समझा रहा हूँ उसे कंप्लीट कर लेना क्योंकि नेक्स्ट क्लास एक बार यहाँ देखो आप आपने तीन पॉइंट्स कैलकुलेट किए फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी अब आपकी लाइन ए बी और बी सी आपस में क्या था परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा था तो मींस एक बात तो क्लियर है अगर मैं ए टू सी लाइन ड्रॉ करूँ तो ए टू सी क्या बनना चाहिए डायमीटर बनना चाहिए इसका अब मुझे ए मालूम है सी मालूम है इसका मिड पॉइंट से क्या मिल जाएगा इसका सेंटर पॉइंट और फिर ए एम का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो क्या मिल जाएगा रेडियस उसे फिर यहाँ पुट कर लेना एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है आर स्क्वायर जो एम मिलेगा मिड पॉइंट से वो ए भी हो जाएगा और जो डिस्टेंस ए एम कैलकुलेट करोगे वो आपका रेडियस आर हो जाएगा इसे लास्ट पार्ट है अभी खुद कम्प्लीट कर लेना ठीक है स्टार्ट करनी हमें दो खाली ए भी आर पुट करना है अभी पुट कर लेना आपको वो मैंने सर्किल प्रॉपर्टी से पिक किया ही कि डायमीटर बन जाएगा ओ लेवल सर्किल प्रॉपर्टी से पिक की बात है ये बात सब क्लियर हुई चलो थैंक यू